गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी कॉफी। मैम ये आज के प्रोग्राम की शेड्यूल लिस्ट। नए हो? आई सेड नए हो। मैम एक महीने से। देन डोंट यू नो कि ऑन एयर प्रोग्राम शेड्यूल की लिस्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए, मेरे हाथ में नहीं। ब्लडी इंटर्न्स। सॉरी मैम। इसे एडिक्शन कहते हैं। उसे कॉफी में रम पीने का एडिक्शन है और तुझे उससे डांट खाने का एडिक्शन है। इन दोनों के बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। योशिका इज द स्टार ऑफ आवर शो। गुड मॉर्निंग सर। और जिस दिन तुम लोगों का काम उसके काम के लेवल तक पहुंच जाएगा ना, तब तुम लोगों से मैं कॉफी के अलावा बात करूंगा कि तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं। और जब तक योशिका अपनी रेटिंग्स मेंटेन करने में सक्सेसफुल है, वो रम पिए या विस्की, इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Do you understand? Okay, sir. Leave. Sorry. यार समझ नहीं आता, ये तुषार इसका फियांसे है या दुश्मन? खैर विस्की पिए या रम, ना फियांसे है ना दुश्मन, इस रेडियो चैनल का CEO है, जिसका प्यार और उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उसकी रेटिंग से है। Yo yo Mumbai, Seven Seas को क्रॉस करके दूर किसी फैंटेसी लैंड से आ रहा है आपकी अपनी योशिका का गुड 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 मॉर्निंग। वैसे हमारी आज की मॉर्निंग बाकी मॉर्निंग से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हमारे एक लकी विनर को मिलेगा एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल गिफ्ट। तो प्लीज हमें कॉल कीजिए, हमारी लाइन ओपन है राइट नाउ। चलना नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। अरे रुक ना, उनका फोन बस लग गया, रुक। चलना यार रघु, बस लग गया। ओफो, मुझे देर हो रही है। अब तो लेट्स हियर हु इज द लकी कॉलर, जिनकी किस्मत का पिटारा आज खुलने वाला है। तो खुल जा सिम सिम। हेलो हेलो मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? अपन रघु, रघुवीर सिंह। ओ यो मॉर्निंग रघुवीर, कैसी है आपकी आज की सुबह? कौन, योशिका? आज योशिका अब उनके खाबों की योशिका। बिल्कुल सही, आपके ड्रीम्स में आने वाली योशिका। लेकिन प्लीज रघुवीर, आप अपने ख्वाबों से वापस आ जाए, नहीं तो आपकी योशिका भी अपने फैंटेसी लैंड में वापस चली जाएगी। चलना यार रघु, कहीं नहीं जाने वाला। हेलो योशिका मैम। पागल कहीं का। योशिका मैम आप गई तो नहीं? नहीं नहीं रघुवीर, मैं यही हूँ, लेकिन अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं डेफिनेटली यहाँ से चली जाऊँ। तो जल्दी बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। अपन आपकी तारीफ में दो लाइनें बोलना चाहता है। इतना लंबा इंतजार के हाय जालिम मार डाला, इतना लंबा इंतजार के हाय जालिम मार डाला, आपकी आवाज को नजर लगाने वाले का मुख काला मैडम। ऑसम शायरी रघुवीर, क्या शायरी की है आपने। वैसे आपको बता दूं, आपने मेरी आज की मॉर्निंग को तो यूं बना ही दिया है। अरे मैडम आपकी तो बस मॉर्निंग बनी है, अब उनकी तो बस जिंदगी बन गई। वैसे आपकी बातों से तो आप शायर लगते हैं, लेकिन रघुवीर हमें ये बताइए कि आप करते क्या है। अपुन 2 साल से अपुन आप ही को फोन ट्राई करता है। अपुन का डे आप ही से स्टार्ट होता है मैडम। और आपको पता है अपुन ने अपने ऑटोमेट सिस्टम लगाया है, आपकी आवाज जैसी अपने कानों में पड़ती तो ऐसा लगता है कि अपुन की गाड़ी स्टार्ट होगी मैडम। तो इसका मतलब है कि आप एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है? हाँ मैडम, एक मामूली तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन आज अपुन को मालूम पड़ा कि अपुन की आवाज सुनने वाला भी वहाँ ऊपर कोई है। वाओ, एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट वी स्टार्ट आवर योशिकास मॉर्निंग। एंड आई एम श्योर कि रघुवीर की तरह आप सबके साथ भी कोई ना कोई जरूर होगा जो आपकी सुनता होगा। वैसे रघुवीर हमें एक बात बताइए, क्या आप हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे? लेगा ना मैम, जरूर लेगा और जीतेगा भी, आप पूछिए तो सही। तो ठीक है, देखते हैं आप हिंदी फिल्मों के कितने बड़े फैन हैं। हमें ये बताइए कि ये डायलॉग कौन सी हिंदी मूवी का है कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। हमने लव किया। करेक्ट, बैंग ऑन, बिल्कुल सही, दैट्स द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपको इस जवाब के लिए मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर। और अपन को क्या मिलता है मैडम? हेलो योशिका मैम। और योशिका
उसके साथ आपको मिलता है आपकी योशिका, यानी कि मुझसे मिलने का एक मौका। क्या तुम तो सपना देख रहे हैं, योशिका से मिलने का चांस मिला? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और वैसे भी हमारा तो काम है आपकी मॉर्निंग को योग बनाना, तो इसीलिए अपना गिफ्ट हैम्पर लेने और मुझसे मिलने आपको कल आना होगा हमारे स्टूडियो। अब बना रहे योशिका। तुम्हें पता है सिर्फ स्ट्रेंजर्स से मिलने के लिए दो चीज चाहिए होती है। नंबर वन, तुम्हारे चेहरे की ये बिग ब्यूटीफुल स्माइल, और दूसरा छोटी सी रम। कम ऑन, जस्ट बी डार्लिंग, have a self a drink, you will feel relaxed, and it was a last minute campaign, I just couldn't have, but trust me, it will fetch its numbers for sure, okay, don't be stressed now, give me a smile, chal, we have some good drinks, see ya. तो नहीं रोहन सॉन्ग की लिस्ट देना। किससे मिलना है आपको? अब उनको आपसे तो नहीं मिलना है, योशिका से मिलना है। ओह, आप ही रघुवीर हैं? जी। आइए, ये आपकी चेयर है मैडम। और योशिका? बस वो थोड़ी देर में आती होंगी, आप बैठिए। योशिका, जो कि हमारे कल के योशिका मॉर्निंग के विनर रह चुके हैं। तो आइए रघुवीर जी से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि उन्हें कैसा लग रहा है। रघुवीर जी, आपको कैसा लग रहा है? अपुन को, अपुन को, अपुन को जैसा सोचा था उसे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक ड्रीम की माफिक। लगता है रघुवीर जी अभी भी सपनों में ही हैं, लेकिन इन्हें मैं कहना चाहूंगी कि जाओ जाइए मिस्टर, और हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपको योशिका कैसी लगी। सुन लू ये मधुर आवाज या देख लू ये ब्यूटीफुल चेहरा, लाइफ में साला पहली बार कंफ्यूजन है इतना गहरा।
थैंक यू सो मच रघुवीर। वैसे व्यूवर्स मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ये गेस्ट बैठे हैं ना यहाँ पे, ये ऑटो शायरी के एक्सपर्ट हैं एंड इनका आज का टारगेट। अरे ये तो अपना रघु है। भैया 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 रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ाइए ना। तो रघुवीर, आप उनको रघु बुलाइए ना। चलिए ठीक है, अगर आपको रघु बुलाना अच्छा लगता है तो मैं आपको रघु ही बुलाऊंगी। So wonderful, wonderful ladies and gentlemen, be tuned in for some more interesting conversations with the auto rickshaw driver Raghuveer. रघु, हमारे इस वीक के सुपरस्टार आप, और आप ऑलरेडी इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर चुके हो, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये बताएंगे कि आपको और क्या क्या करना पसंद है? अपुन को अपुन को आपकी आवाज, आप जिस तरह से यो मुंबई बोलती हैं वो पसंद है, और आपसे मिलने के बाद आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्माइल प्यारी सी, सच बोले तो अपुन को आप ही पसंद है। वो क्या कहते हैं, आई लव यू। आई थिंक हमारे जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पे हैं, उन्होंने ऑन एयर सबके सामने ये कहा है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि सच है या सपना। नहीं नहीं, सच में वो फिल्मों में करते हैं ना, गुलाब की पत्ती के साथ एक एक पत्ती तोड़ के, यू लव मी, यू लव मी नॉट, यू लव मी, यू लव मी नॉट। बाय गॉड की कसम, अपुन भी बिल्कुल वैसा ही करता है, और अपनी पत्ती लास्ट में यू लव मी पर आकर ही रुकती है। आई शपथ। देखो रघु, मैं तुमसे क्या बोलूं, तुम मुझसे ऑलरेडी इतना कुछ कह चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। कहिए ना। मुझे भी प्यार है तुमसे, और हमारे सभी उन फैंस से जिनके प्यार की वजह से हमारा शो इतना सक्सेसफुल हुआ है। योशिका, अपुन आपको बाहर लेके जाना चाहता है एक लंबी सी ऑटो राइड पे, आप चलेंगी मेरे साथ? देखो रघु, इट्स लिटिल, ऑफ कोर्स जरूर जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ रघु, जरूर चलूंगी। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ एक सुपरली फन ऑटो राइड में विद रघुवीर। वैसे रघु, आप हमें ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? अपुन, अपुन ये गाना आपको डेडिकेट करना चाहेगा, और वो गाना है आज फिर तुम पे प्यार आया है। सो गाइस, फर्स्ट टाइम ऑन द शो किसी ने सॉन्ग डेडिकेट किया है टू द होस्ट ऑफ द शो। आई होप आप सबकी मॉर्निंग भी उतनी ही यो हो जितनी की मेरी रघु के साथ हुई है, एंड इन केस नहीं हो रही है तो प्लीज ट्यून इन टू रातों रात। अपन की किस्मत ऐसी चमकेगी, अपन ने कभी सोचा ही नहीं था शिका अपन की ऑटो में बैठेगी। भाई लोग ये बात सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। यशिका, दम चकास। यशिका, यशिका जी, अरे अपन आपका वेट कर रहे हैं, आप कहा था ना अपन चलेंगे शो के बाद, अपन आपका वेट कर रहे हैं। जाने दे यशिका मैम, मेरी बात चलेगी, अपन आपका वेट कर रहे हैं। रघु, तुम
आपने कहा था ना हम शो के बाद साथ में चलेंगे। रियली आई मीन तुमने विश्वास भी कर लिया? नहीं कहा था तो आपने मान लिया। तो रघु हमें शो के लिए ये सब करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्ची में तुम्हारे साथ बाहर जाऊँ। तुम भी मैच जाओ यहाँ से, पागल बनने की जरूरत नहीं है। क्यों पागल लोग डेट पे जाते हैं क्या? डेट पे वो भी तुम्हारे साथ? आर यू इनसेन रघु? तुमने अपने आप को देखा है? शीशे में जाके अपनी शक्ल देखो और अपने सपने से बाहर आओ। Somebody please take him out of here. टाउन मार्केट क्या होता है? टाउन मार्केट? किसने कहा? योशिका ने। क्यों? अपन उसको डेट पे लेके जाना चाहता था। तू पागल है क्या रघु? तू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है यार, और वो इतनी बड़ी रेडियो जॉकी, वो तेरे साथ डेट पे क्यों जाएगी? क्यों क्यों नहीं जा सकती डेट पे अपन के साथ? क्या बुराई है अपन में? प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है, दिल अपन के पास है। रघु प्यार करने के लिए सिर्फ दिल नहीं चाहिए होता, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो तेरे पास नहीं है। जितनी जल्दी तू ये बात समझ जाएगा ना, तेरे लिए उतना अच्छा है। तुम लोग के माफिक कपड़ा नहीं पहनता ना, तुम लोग के माफिक इंग्लिश में घिटर पिटर नहीं करता ना। 4 डिग्री क्या मिल गई तुम लोगों को? तुम सोचता है तुम कहीं के राजा है? रघु मन का राजा है, मन का। कॉलेज छोड़ दिया था अपुन ने, लात मार दी थी, जानती हो क्यों? क्योंकि अपुन को अपना खाना था, अपना जीना था। रघु मैं, अरे मर गया रघु, आज से अपुन रघु नहीं है, अपुन भी बोल सकता है इंग्लिश। हेलो, थैंक यू, यो मुंबई, बोला ना क्या? देख लेना योशिका को प्यार होगा। वो क्या बोला था उसने? टाउन मार्केट। देख लेना योशिका को इस टाउन मार्केट रिक्शा वाले से ही प्यार होगा। Hey Yoshika, hi. Yeah, tell me. तुम्हें एक नया इंटर्न चाहिए था ना? Oh please, तुम्हारे वो loser and dumb interns नहीं चाहिए। एक मौका देके देखो मैम, अगर आपकी नजर में loser से winner ना बन गया तो नाम बदल दूंगा। Yoshika, this is Veer, our new intern. मास कम्युनिकेशन में डिग्री है और एंथियो कटलेट है। आई थिंक ही विल बी गुड फिट फॉर द प्रोफाइल। और अगर रोहन की तरह गॉसिप किया तो आई फायर हिम। अंडरस्टैंड? यस मैम, टोटली कंप्लीटली फुली अंडरस्टैंड। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, आई शपथ। मतलब आई स्वेयर। जो भी है, अभी यहां से जाओ और जाकर कहीं छुप जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तुम्हारा काम देखना है। Thank you very much, ma'am. Don't call me ma'am. It's Yoshika. Okay. Yoshika. Hey you. And two cutlet. Yes, ma'am. Yoshika. तुम्हारा सबसे important काम मेरी सुबह की कॉफी कम और रम ज्यादा। अगर ठीक से ना बने तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। Am I clear? राम, सुबह सुबह आप पीती भी हो? Get lost. I said get lost. Stop staring and think of some ideas. तो बाकी interns की तरह तुम्हें भी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये प्रोग्राम आम आदमी के लिए करें। मेरा मतलब है जैसे कि ऑटो वाले सुबह से रात उनकी गाड़ी चलती है और साथ में रेडियो भी। क्या ऑटो वाले? अरे ऑटो वाले कैसे करेंगे यार, कुछ भी बोल रहा है तू, पागल है। I think he has a point. So,
हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। I mean, बस वालों के लिए, ऑटो रिक्शा वालों के लिए, we never done anything। हमें अपने प्रोग्राम को मास्टर्स तक ले जाना हो, and I'm very sure that this will help। Okay, fine, ठीक है। Then please you discuss all the ideas with Veer, and in the meantime I'll go and meet Tushar। उससे बात करती हूँ, I'm sure it will help। Yeah। By the way, Veer. हे वीर, अरे वो म्यूजिक लाइनअप करना है यार, मानसून सीजन है ना, अरे उसी के लिए बैक टू बैक सॉन्ग चाहिए कल मॉर्निंग के शो के लिए यार। ओके सुन, पहले गाने के लिए ये कैसा रहेगा? सावन में भीगा बदन। पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। अरे ऐसे वैसे गाने नहीं चलेंगे, अपने मैसी आइडियाज अपने पास रख। और वो तुषार सर है ना, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा बिल्कुल। कौन तुषार? इस रेडियो स्टेशन का सीईओ है वो, योशिका का फियांसे है। फियांसे? हाँ। योशिका की मंगनी हो चुकी है। सिर्फ नाम के लिए यार, वैसे तुषार को सिर्फ अपनी रेटिंग से प्यार है, इसलिए योशिका सुबह सुबह रम पीकर पूरे दिन टून रहती है। तुषार सर उसे मना नहीं करते? मना करेंगे तो उसका शो डूब जाएगा भाई। सच्ची? और नहीं तो क्या भाई, ये रम ही तो है जो शो को चला रहा है, अगर वो रम नहीं पिएगी तो शो ही फ्लॉप हो जाएगा। सुन, तू ज्यादा सोच मत, तुझे नौकरी प्यारी है ना, तू बस काम पर ध्यान दे। तुषार को रेटिंग प्यारी है और योशिका को सिर्फ उसके पैसे से मतलब है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, योशिका ऐसी नहीं हो सकती। अगर मुझे हाइक नहीं मिला ना, I'll quit the job. One week and I'll quit. सुन ले, देख भी ले अपनी आंखों से, बात करता है। योशिका, एक गाने के बाद ये ऑन एयर। तो वी हैव 3 मिनट्स राइट? देखा, डबल स्टैंडर्ड, लोगों को ज्ञान देती है और खुद पैसे के लिए अपने फियांसे से लड़ रही है। सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक वुमेन। सब जानते हैं शो को योशिका चलाती है, अपने हक के लिए पैसे मांगने में कैसी सेल्फिशनेस। ऑटो वाले भी तो स्ट्राइक पे जाते हैं ना अपना रेट बढ़ाने के लिए। तू क्या ऑटो वाले करता है यार, पागल हो गया क्या? ओए, भाषण बंद कर, जल्दी भाग, मेरा शो बंद करवाएगा क्या? आज तुम्हारी कॉफी में रम नहीं है, देखते हैं शो कैसा होता है। It's okay. It's okay. Yo yo Mumbai, Seven Seas को क्रॉस करके दूर किसी फैंटेसी लैंड से आ रहा है आपकी अपनी योशिका का गुड 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 मॉर्निंग। So, सलाम नमस्ते to all the beautiful people out there. और हमारे अगले कॉलर हैं। अपना नाम बताइए प्लीज। रघु। या हाय रघु, तो टेल मी आप कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? मैं जो गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ उसका नाम है क्यों आगे पीछे टोलते हो भवरों की तरह। दैट्स सो कूल रघु, तो ये गाना आप किसके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जो लड़की मुझसे प्यार करती है वो ये सॉन्ग मुझे डेडिकेट करें। वेरी इंटरेस्टिंग रघु, इसका मतलब है कि आप ये गाना खुद को डेडिकेट करना चाहेंगे। आइला, अपुन की लवर अपुन को ये सॉन्ग डेडिकेट करेगी तो अपुन का तो डे बन जाएगा क्या? ओके, ऑलराइट देन, देन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। We'll be right back.
वीर डांस कर रहा है उसके साथ। यार लगता है वीर ने कुछ ज्यादा ही कॉफी में रम मिला दिया है। Striking the game, deep till now. आपका वेट कर रहा था, सोचा आपको एक स्पेशल डेट पर लेके चलूं। मुझे आपको चलेंगे मेरे साथ, but let me warn you, ये डेट थोड़ी अलग टाइप की होगी। मतलब I mean हमेशा इतने खुश कैसे रह सकते हो? क्योंकि मैं आज में जीता हूँ। और कल का क्या मालूम? योशिका, हमारी लाइफ ना एक ऑटो रिक्शा की तरह, सब खुद अपने अपने ऑटो चलाते हैं, बस पीछे बैठने वाली सवारियां बदलती रहती हैं। और कब कौन आकर इस ऑटो में बैठेगा वो तो किस्मत के ऊपर है। जैसे आज इस ऑटो में खुद यहाँ आज योशिका बैठी है। वैसे तुम कहानियां बहुत अच्छी लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते? गॉड नोज तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है, लेकिन जो भी है, I must say that I am liking it. योशिका, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम अपने सुबह सुबह रम पीने के चक्कर को छोड़ नहीं सकती? अगर मैंने रम पीना छोड़ दिया ना, तो इस आरजे योशिका का आर भी नहीं बचे, तो फ्लॉप हो जाए। तो सच बताऊं, रम पी के ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन तुम खुद ही इतनी अच्छी हो, और तभी तो जो भी लाइफ में आता है हर्ट करके चला जाता है। तुम बहुत अकेला फील करती हो ना? तुम्हें कैसे पता? इसीलिए ऑफिस में अपना सारा टाइम बिताती हो, बिजी रहती हो, क्योंकि वहां पर और लोग हैं, टेंशन है, इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे फैंस का प्यार है, राइट? कांग्रेचुलेशंस, जो इतने सारे लोग 3 साल में नहीं समझ पाए, तुम 3 महीने में जानो। थैंक यू।
यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। वैसे शार सर से पहले भी कोई लेकिन जब एक रिलेशनशिप में आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जाए ना, तो उसमें रहना सही बात नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है ये रेडियो वाली योशिका ना इन रिलेशनशिप्स के पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई है। विल यू प्लीज स्टॉप फ्रीकिंग मी आउट? तुम कोई माइंड रीडर तो नहीं हो? बट यू आर राइट, मैंने ना अपने आप को बहुत कॉन्शियसली चेंज किया, सीखा है कि अपना वीक साइड कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई तुम्हें यूज कर ले ठीक बात नहीं है। इसीलिए तुम तुषार सर के साथ इसका क्या मतलब? मतलब मैंने टेबल पे पड़ी तुम्हारी सैलरी स्लिप देखी, तुम्हें समर से सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा मिले। सब जानते हैं शो कौन चला। तुमने मेरी सैलरी स्लिप देखी? हाउ डेयर यू? देखनी पड़ी ये जानने के लिए कि ऑफिस में लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं वो सच है या नहीं। मैं ये सब नहीं सुन सकता। क्या कहते हैं लोग कि मैं एक मटेरियलिस्टिक सेल्फिश इंसान है ना? कोई बात नहीं, रंग पीना शुरू कर दो, सब सुनने की आदत पड़ जाएगी। अब क्या फायदा जब तुमने खुद ही पीना छोड़ दिया? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है तुम रम वाली कॉफी नहीं सिर्फ कॉफी पी रही हो। मतलब पिछले 3 महीने से मैंने ये शो बिना रम के किया है। बिना रम के और बिना गम के कर रही। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन आई कुड स्मेल रम इन इट। मैं बस कप पे थोड़ी सी रम लगा दिया करता था खुशबू के लिए। प्रॉमिस करो इसे कभी नहीं पियोगी। प्रॉमिस। Yushka, ma'am, coffee? Good morning. Thank you, but I'll have green tea. Hi. Hi, good morning. Good morning. Aaj ek film ka integration hai. It's okay. Ho jayega, chill. Koi problem nahi hai, ho jayega. Tum 20 minute late ho. Take a deep breath. Ho jayega, main keh rahi hu na. Hamare fans hai, wait kar lenge thoda time. Achha, mujhe ye batao ki Veer kahan hai? Kahin dikhai nahi de raha. Tumhe pata nahi hai? Veer ko Tushar ne aaj hi fire kiya hai. What? हाँ उसे निकाल दिया। Almost we are on the closing up this month, so we want to be ready. What the? I want to speak to you. Finally मुझे एक अच्छा इंटर्न मिला था, तुमने उसे क्यों निकाल दिया? इंटर्न के लिए लड़ने आई हो? Really? योशिका तुम पे सूट नहीं करता। तुमने उसे फायर क्यों किया? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आती। And I asked him to leave. Ridiculous. तुषार इंटर्न मेरा था। उसे निकालना या नहीं निकालना मेरा काम था, तुम्हारा नहीं। फियांसे मेरी है और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। What do you mean? What do I mean? लोग तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच शायद। लोगों की बातें सुनी, लोगों की बातों पे विश्वास किया, उसे फायर कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो तुम्हारे में मुझे चेंज नजर आ रहा है ना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ लेट नाइट शिफ्ट करना, एक स्ट्रिक्ट योशिका से लीनियंट योशिका बनना। आई एम नॉट मैड, ना ही मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है। एटलीस्ट मुझसे पूछना चाहिए था। मैं इस कंपनी का CEO हूं और तुम एक मामूली RJ। जहां कौन हायर होगा कौन फायर होगा विल बी माई डिसीजन, नॉट योर्स। थैंक यू तुषार सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए,
मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आज आपने मुझे क्लैरिटी दी। आपकी वजह से मैं ये रियलाइज कर पाई हूं मेरे दिल में वीर के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे दिल की CEO मैं हूं और मेरे दिल से उसे कोई फायर नहीं कर सकता। योशिका, आरजे योशिका सर, एंड नॉट सो प्लीज टू मीट यू। आई होप हम आज के बाद कभी ना मिले, कभी भी नहीं। एंड फॉर योर क्लैरिटी, आई क्विट। याद है 6 महीने पहले एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने तुम्हारे रेडियो का कॉन्टेस्ट जीता था? ऑटो रिक्शा ड्राइवर, आई लव यू। ऑटो रिक्शा ड्राइवर रघुवीर? हाँ वही रघुवीर। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा कपड़े चेंज करने में, इंग्लिश बोलने में, कंप्यूटर सीखने में। और तुम्हारी जो डिग्रीज थी वो सब झूठ था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता था और चाहता था तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता। मतलब तुमने भी मुझसे झूठ बोला। I'm sorry, लेकिन तुम मानोगी नहीं, मैं रोज इस झूठ के बोझ के नीचे दबा जा रहा था, लेकिन जब अब तुषार सर ने निकाल ही दिया है तो मैंने सोचा यही सही मौका है तुम्हें सब कुछ सच सच बताने का और अपना ऑटो एकदम ट्रैक पे लाने का। इसलिए मैंने कुछ करने का फैसला किया है। तुम पढ़ाई करोगे? बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? हाँ योशिका, मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। पहले मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब जब तुम्हारे साथ नजर से नजर मिला के चलना पड़ेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और एक बात, तुम आगे लाइफ में मुझसे कभी मिलो या ना मिलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज उस कमीने तुषार को छोड़ दो। योशिका, तुम्हें एक ऐसे आदमी के साथ होना चाहिए जैसी तुम रेडियो पर हो, सबके साथ हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, चुलबुली, सबकी जिंदगी में मिठास घोलती हुई। तुम जानते हो ऐसा सिर्फ एक ही इंसान। कौन? है एक डाउन मार्केट से ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रघुवीर नाम है उसका। I'm sorry रघुवीर, I know मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। सॉरी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जब तक अपना करियर नहीं बना लूंगा तब तक पीछे मुड़के नहीं देखूंगा। I love you योशिका। तेरे प्यार ने योशिका बना दिया मुझे मरीज, दिल का ट्रैफिक किया डाइवर्ट। हॉर्न ओके प्लीज। लेकिन जब तक अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता हम नहीं मिलेंगे। क्यों? प्लीज योशिका, ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पर कोई टोक दे इश्क़ की।
यू नो जिंदगी में रघु और योशिका जैसे बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगियां दो पैरेलल लाइंस की तरह चलती हैं, जो साथ साथ तो चलती है लेकिन कभी मिल नहीं पाते। ये जो लव नाम का इंटरसेक्शन है, ये अच्छे अच्छों को बदल के रख देते। और किसी ने सच ही कहा कि प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो प्यार आपकी पूरी कायनात बदल सकता है, जैसे रघु और योशिका की बदल।